उस मांगने का आरोपी सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ चेतावनी का एक और मौका देने का फैसला लिया गया, जबकि वायरल ऑडियो में वो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम पर घूस मांग रहा था। ऐसे में विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं। डीआरडीए के सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ का 2 ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मनरेगा घोटाले के मामले को दबाने के लिए पैसे मांग रहा था। सौरभ कुमार ने आला अधिकारियों के नाम पर पैसे मांगे थे। सौरभ जी का कहना है कि किसी भी तरह से हमको तुम बोलो उसको वेंडर को, वेंडर है हमारा सुरेश वर्मा जी बोल के, उससे बोलो तुम और हमको पेमेंट करवा दो। कितना वो डिमांड किया हुआ है? 2.5 लाख का। 2.5 लाख? हाँ, उसमें 2.5 लाख। वो सीधे बोलता है किस किस के नाम पे? वो डायरेक्टर सर के नाम को लिया गया है और लोकपाल मैडम के नाम से और अपना नाम से। 1 लाख बोला डायरेक्टर सर, 1 लाख अपना और 50,000 लोकपाल मैडम के नाम। नहीं देने पे हम रिकवरी करवाएंगे, जबकि हम लोग इधर उधर से लोन वगैरह करके किसी से योजना को पूरा किए हुए। ऑडियो वायरल होने के बाद सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर को शो कॉज जारी हुआ, जिसका सौरभ ने जवाब दिया, लेकिन डीआरडीए डायरेक्टर ने कहा है कि फिलहाल चेतावनी देकर उसे एक मौका दिया जा रहा है। फर्स्ट एड है धनवार प्रखंड में, लेकिन वहाँ भी कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से उनका प्रतिनिधि मुख्यालय में किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जो आदत से है वो बाज नहीं आ रहा। इस संबंध में मैंने उसको स्पष्टीकरण भी किया है, लेकिन उसका जो जवाब मिला है वो संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में एक गंभीर चेतावनी देते हुए अंतिम मौका दिया जाएगा। अभी हाल में एक और ऑडियो उसका प्राप्त हुआ है, अगर नहीं सुधरेगा तो उसको कार्यमुक्त करने के लिए अपने वरीय पदाधिकारी को मैं लिखूंगा, उपायुक्त महोदय से निर्देश दूंगा। एक सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर अपने बड़े अधिकारियों के नाम पर घूस मांगता है, उसका ऑडियो भी वायरल होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चेतावनी दी जाती है। ऐसे में विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।